कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि वह हादसा नहीं होता तो मेरी जिंदगी अलग सी होती। मेरे बाबूजी हमेशा कहते थे, तुझे परमात्मा ने अलग सा बनाया और सुंदरता, खुशी और आनंद उन्हीं से मिलते हैं। मेरे माँ बाप की मौत एक बस एक्सीडेंट में हुई। उनके गुजरने के बाद मेरे दादा दादी ने मुझे पाला। लोग कहते थे कि मेरा जन्म खराब नक्षत्रों में हुआ है और मेरे श्राप के कारण मेरे माँ बाप की मौत हुई। मुझे लगता है कि यह मेरे पिछले जन्म के पापों का कारण है। मेरे दादा दादी मेरी शादी करवा के मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे। मेरे ससुर जी दयालु थे और वह मेरा अच्छी तरह से ध्यान रखते थे। मेरी सास मुझसे यह चाहती थी कि मैं उनको एक पोता ही पैदा करके दूं। लेकिन मेरी ननद तो मुझे पसंद नहीं करती थी और मुझे लगता है कि वह मुझसे जलती है। मेरी शादी होने वाली थी, मुझे उससे घबराहट होती थी। जब से मेरे ससुर जी बीमार थे तो मुझे घर में बहुत काम करना पड़ता था, क्योंकि मुझे घर चलाना पड़ता था और घर का सारा बोझ मेरे माथे पे आ गया। मैं अपने जीवन में डर गई थी और मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। अगर मैं माँ बनती शायद तब ही वह खुश होते, पर मैं माँ नहीं बन सकी। घर में मेरे ससुर जी के अलावा मुझे कोई नहीं समझता था। वह इतने बीमार थे कि कुछ बात भी नहीं कर सकते थे। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता था। मेरी सास मुझे धमकी दिया करती थी, अगर मुझे लड़का नहीं हुआ तो वे मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मेरे पड़ोस में एक अच्छी औरत थी जो अक्सर मुझे अपने घर पे चाय पर बुलाया करती थी। उनकी खुद की जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद भी वह खुश नजर आती थी।
मैंने अपनी सहेली प्रेमा से पूछा कि मेरे जैसी औरत का इतना ख्याल क्यों रखती हैं। उसने कहा कि भगवान यीशु ने उनके चेलों को कहा कि वे दूसरों का ख्याल रखें, और उसने यह भी कहा कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं और वह भी मुझसे प्रेम करती है। मैंने प्रेमा से कहा कि वह मुझे भगवान यीशु के बारे में बताए, और उसने बड़ी दया के साथ मुझे भगवान यीशु के बारे में बताया। उसने मुझे सत्संग में आने का न्योता भी दिया। मुझे उस सत्संग के गुरु जी की आवाज अच्छी तरह से याद है। सदगुरु यीशु भगवान से भेजा गया अनंत ज्योति है। जो भी उस पर विश्वास करेगा वो पाप और मृत्यु के चक्र से बचेगा। उनके अनुग्रह अपनाने से हमारी बेकार जिंदगी सुंदर और सुगंधित होती है। यह एक ऐसा संदेश था जो मैं अपनी सारी जिंदगी सुनने को तरसती रही। इस प्रार्थना के शब्द हमें सिखाते हैं कि हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से उजाले में और मृत्यु से अनंत जीवन की ओर ले चलो। यीशु में हमारी प्रार्थना की पूर्णता है। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है जो हमें मोक्ष देते हैं। उन्होंने समझाया कि हम भगवान यीशु महाराज को कभी भी और कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, और उन्होंने यह बताया कि भगवान खुद चाहते हैं कि हमारे ऊपर उनकी कृपा रहे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं सदगुरु यीशु को अपना गुरु बनाकर 30 दिन तक सिर्फ उनकी प्रार्थना और आराधना करूं। मैंने यीशु महाराज से उस रात प्रार्थना की कि वह मुझे सच्चाई के मार्ग पर चलाएं, मुझे मोक्ष दें और शांति से भर दें। मैं यह जानकर बहुत चकित हुई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह जानकर मेरा परिवार वाले मुझसे बहुत खुश हुए और मुझको वापस घर बुलाए। मरियम का यीशु लाडला, सारे जगरा हो सारे जगरा, तारन हार मारे घर आओ जी। हाथा में यीशु के तिलक हो क्या, हाथा में यीशु के तिलक
बाकी पसली में भालो छिदाय मारे घर आओ जी आओ आओ मारा यीशु राज मारे घर आओ मुझे एक बच्ची पैदा हुई पर मैं उसका मुंह तक नहीं देख सकी। मेरा बच्चा एक लड़की थी और इस कारण के लिए उसे मरना पड़ा। मेरी सास ने मेरे बच्चे को मारने का हुक्म दिया था। क्या मैं उसको कभी माफ कर सकती हूँ? मेरे पहले बच्चे को मारने के लिए क्या मैं कभी अपने आप को भी माफ कर सकती हूँ? इन सब के लिए जो कुछ भी हुआ कभी नहीं। मुझे इस पाप के दलदल से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तुझे परमात्मा ने अलग सा बनाया और सुंदरता खुशी और आनंद उन्हीं से मिलती है। मेरे ससुर जी की तबीयत बुरी तरह खराब थी और डॉक्टर साहब ने कहा कि वह शायद रात बिता नहीं पाएंगे। मेरी सास ने मुझ पर दोष लगाया कि मैं अशुभ हूँ। वह मुझे भी मारना चाहती थी जैसे उसने मेरे बच्चे को मारा था। मुझे उस पर बहुत तरस आई। नरक ने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए उसने माफी मांगी। उसने अपनी गलती मान ली, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। तो मैंने अपनी ननक को बताया कि सतगुरु यीशु महाराज ने मेरे पाप क्षमा किए हैं, इस कारण ही मैं दूसरों को क्षमा करती हूँ।
परमात्मा तुमसे प्रेम करते हैं और मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना की कि सदगुरु यीशु जी मेरे ससुर जी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुई होती तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती? अब उस बात का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सद्गुरु यीशु बुरी से बुरी स्थिति को अच्छे में बदल सकते हैं।